गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में एम्ब्रियोलॉजी में आज हम जानेंगे विभाजन के बारे में, उत्तरोत्तर विभाजन क्या है और युगपत विभाजन क्या है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था टेपेटम कोशिकाओं के कार्य, और टेपेटम कोशिकाओं में जो प्रोटीन मुक्त होती है टेपेटम कोशिकाओं से, तो उससे जो कुछ पादपों में ये क्षमता होती है कि उनके पराग कण जो हैं वो हे फेवर और एलर्जी जैसे रोगों का कारण होते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल आप बता सकते हैं, चिनोपोडियम है, इसके अलावा पार्थेनियम जिसे हम गाजर घास कहते हैं, सोरगम ज्वार जो होता है, एमरेंथस, तो इनको एरो एलर्जन प्लांट कहा जाता है। इसी तरह से हे फीवर रोग का कारण होता है एम्ब्रोशिया के पराग कण। इसके अलावा परित्याग अभिक्रिया के बारे में भी हमने देखा था, तो अब हम जानेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस, देखिए साइटोकाइनेसिस जो है वो दो प्रकार से होता है। पहला है इसके अंदर उत्तरोत्तर विभाजन, पहला है उत्तरोत्तर विभाजन। तो ये किस प्रकार से होता है, तो उत्तरोत्तर विभाजन में क्या होगा कि अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद दोनों संतति केंद्रक एक भित्ति से अलग हो जाते हैं। यानी जैसे ये है एक केंद्रक, अब इसमें विभाजन होगा, अब विभाजन की प्रक्रिया से जब ये फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा इसमें, जैसे यहाँ पर ये मियोसिस फर्स्ट हो चुका है, अब मियोसिस फर्स्ट होने से इस प्रकार से क्या है दो केंद्रक बन जाते हैं, और ये जो दोनों केंद्रक हैं वो एक भित्ति द्वारा, यहाँ पर क्या होता है कि भित्ति बनना शुरू हो जाती है, और इस भित्ति द्वारा ये दोनों क्या है अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो डायोड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, डायोड का निर्माण हो जाएगा, इसको डायड कहते हैं, ये जो है डायड बन जाएगा। अब इसमें दो कोशिकाएं हैं, दोनों में अपने अपने केंद्रक हैं, इसको हम द्विक अवस्था, इस दो कोशिकीय अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्विक अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इस द्विक अवस्था में आगे क्या होता है, फिर से विभाजन होता है। तो विभाजन में वही बात है कि यहाँ और यहाँ इस तरह से केंद्रक बन जाएंगे और फिर भित्ति बन जाएगी, यानी इस तरह से फिर भित्ति बन जाएगी दोनों के बीच। तो अब ये कितनी कोशिकाएं हो गई है, चार कोशिकाएं हो गई है, यानी कि मियोसिस सेकंड हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मियोसिस सेकंड हो जाएगा। तो दोनों अर्धसूत्री विभाजन के बाद जब हम देखते हैं तो टेट्राड हमारे पास ये रहा, क्लियर। अब ये विभाजन बताया किसमें है, ये बताया है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे पराग कणों का किस प्रकार से विकास होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, उससे आगे माइक्रोस्पोर भी बनेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन विभाजन होंगे किस तरह से, तो इस प्रकार से होते हैं, आपके सामने है। उत्तरोत्तर विभाजन में तो जो माइक्रोस्पोर मदर कोशिका है उसमें पहला मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद फिर दो केंद्रक बनेंगे, दोनों ध्रुवों पर चले जाएंगे, फिर दोनों के बीच भित्ति का निर्माण होगा, भित्ति बनने से द्विक अवस्था आ जाती है, और फिर इस द्विक में दूसरा मियोसिस होता है, और फिर उसी तरह से भित्ति बनेगी, भित्ति का निर्माण परिधि से सेंटर की ओर होता है। तो इस प्रकार से जो चार कोशिकीय चतुष्क अवस्था आपके सामने है। तो मोस्टली जो मोनोकोट प्लांट हैं, अधिकतर जो मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पादप जो हैं उनके अंदर इसी तरह से चतुष्क का निर्माण होता है। ठीक है, अधिकतर कौन से पादपों में, अधिकतर होता है मोनोकोट में। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के विभाजन की, जिसे हम युगपत विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, युगपत विभाजन, वो कैसे होता है। तो देखिए, युगपत विभाजन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार के विभाजन में क्या होगा कि प्रथम जो मियोसिस होगा उसके बाद द्विक अवस्था नहीं आती है। ठीक है, पहला जो मियोसिस होगा उसके बाद द्विक अवस्था नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा कि जो कोशिका है उसी के अंदर दो केंद्रक रहते हैं, यानी कि द्विक ना बनकर क्या बन जाती है, द्विकेंद्र की कोशिका, बाई न्यूक्लिएट सेल बन जाती है। ठीक है, और फिर प्रत्येक केंद्रक में यानी जो भी अगुणित केंद्रक उसके अंदर होता है उसमें दूसरा मियोसिस होता है, जिसे हम तुल्यकालिक विभाजन कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से
क्या होगा कि इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, तो मियोसिस फर्स्ट होने से केंद्रक तो दो बन जाएंगे परंतु बीच में भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोनों केंद्रक एक ही कोशिका द्रव्य में रहते हैं और इस प्रकार से ये बाई न्यूक्लिएट सेल बन जाएगी। क्लियर। और फिर जो अगुणित केंद्रक हैं, ये वाले जो दोनों अगुणित केंद्रक हैं उनमें फिर से क्या होता है, विभाजन होता है। तो इस प्रकार से देखिए चार केंद्रक बन जाएंगे, आपको तीन दिखाई दे रहे हैं तो ये तीन ही दिखाई देंगे सामने की ओर से देखने पर, और वैसे कितने होते हैं, ये चार होते हैं। और इसका मतलब ये है कि यहां पर कौन सा विभाजन हुआ है, यहां पर हुआ है मियोसिस सेकंड। अब जब मियोसिस सेकंड हो जाएगा तो वहां तो हमने देखा कि सीधी ही भित्ति बन रही थी, लेकिन यहां पर पहले वहां तो अर्धसूत्री फर्स्ट के साथ साथ भित्ति बननी शुरू हो जाती है, लेकिन यहां पर जब दोनों विभाजन कंप्लीट हो जाते हैं तब विदलन या खांच विधि द्वारा भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, विदलन या खांच विधि क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे एक केंद्रक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इनके बीच परिधि से सेंटर की ओर, ठीक है, परिधि से इस प्रकार से सेंटर की ओर क्या बनने शुरू हो जाएंगे, भित्ति बननी शुरू हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपके सामने जो एक संरचना आपको दिखाई दे रही होगी वो क्या है, वो है टेट्राहेड्रल अवस्था। क्या है ये, टेट्राहेड्रल अवस्था है। ठीक है, तो यहां से भित्ति से यानी कि जो ये परिधि है यहां से ये भित्ति बननी शुरू होगी, तो इसको हम कहते हैं खांच विधि। ठीक है, विदलन विधि है ये। और टेट्राहेड्रल प्रकार के इस प्रकार के जो चतुष्क हैं वो किस में बनते हैं, डाइकोट प्लांट में बनते हैं। ठीक है, तो मोनोकोट प्लांट में तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में, फिर आगे क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों मियोसिस जब होंगे तो साथ साथ भित्ति बनेगी मोनोकोट में तो। ठीक है, तो वहां पर तो होगा उत्तरोत्तर विभाजन, लेकिन युगपत विभाजन में पहले दोनों मियोसिस कंप्लीट होते हैं और उसके बाद खांच विधि द्वारा भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है डाइकोट प्लांट में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें क्या है पराग कण की, वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी पादप हैं या कुछ ऐसे कुल हैं जिनके अंदर पराग कणों का विकास अन्य पादपों से थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग का मतलब यही है कि जैसे साइप्रेसी कुल है, ठीक है, तो साइप्रेसी कुल के पादपों में क्या होता है कि ठीक है विभाजन तो वही होगा, विभाजन होने के बाद इस तरह से कि चार केंद्रक क्या बन जाएंगे, चार केंद्रक बन जाएंगे, बनने के बाद क्या होगा कि तीन केंद्रक तो नष्ट हो जाएंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केवल एक ही क्रियात्मक केंद्रक होता है, बाकी तीनों केंद्रक क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो ये अवस्था किस में पाई जाती है, साइप्रेसी में पाई जाती। इसके बाद आप देखिए आगे जो मॉर्फोलॉजी है टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर की, या माइक्रोस्पोर जो है चतुष्फलकीय अवस्था में या समद्विपार्श्विक अवस्था में होते हैं, चतुष्क में होते हैं, तो किस प्रकार की आकार की पाई जाती है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ टेट्राड यानी जो टेट्राड बनते हैं वो कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी के होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर, वो आता है क्रोस्ट, यानी क्रोस्ट का मतलब क्रोशित। तो क्रोशित जैसे क्रोकस मैग्नोलिया में, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रोकस मैग्नोलिया। अब इसके अंदर इस प्रकार की अवस्था है, तो क्रोस अवस्था इसके अंदर बनती है। क्रोस अवस्था में वही है कि इस प्रकार से क्रोस बन जाएगा, बस एक दूसरे को काटते हुए। ठीक है, दूसरा जो आता है वो है टी शेप्ड। टी शेप्ड जो है वो पाई जाती है, दूसरा है टी शेप्ड। टी शेप्ड होता है एरिस्टोलोकिया में, ठीक है, एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है। और एरिस्टोलोकिया में इस तरह से देखिए टी शेप्ड जो होगा वो एक तो ये होगा, दूसरा ये, और ये उल्टा सीधा टी है, ये
सीधा टी भी हो सकता है और उल्टा टी भी हो सकता है। जब उल्टा टी होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये सीधा और उल्टा टी दोनों बनते हैं किसमें? एरिस्टोलोकिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से टेट्राड अवस्था जो है दो आकार की हम पढ़ चुके हैं। पहली है क्रोसित जो कि क्रोकस मैग्नोलिया में पाई जाती है, दूसरी है इसमें टी सैप जो कि एरिस्टोलोकिया जैसे पादपों में पाई जाती है, तीसरी जो आकार की है वो है लाइनियर, तीसरा जो है वो है लाइनियर। ठीक है, तो लाइनियर में क्या होता है? तो लाइनियर में एक के बाद एक एंड टू एंड तक इस प्रकार से ये परागकण जुड़े रहते हैं, ये है लाइनियर अवस्था। और टेट्राहेड्रल अवस्था आप देख ही चुके हैं, अधिकतर जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें टेट्राहेड्रल अवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें क्या है पराग कण की, क्योंकि पराग कण से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे कंपटीशन लेवल में भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो जीवन क्षमता है, जो पराग कणों की जीवन क्षमता है वो भी हम इसमें देखेंगे, पर पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें संयुक्त लघु बीजाणु होते हैं। ठीक है, कुछ पौधों में क्या होते हैं? संयुक्त लघु बीजाणु होते हैं। संयुक्त का मतलब ये है कि बहुत सारे माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो एक साथ अवस्था में, एक ही अवस्था में आ जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एनोना, ठीक है, जो कीट बक्सी पादप हैं, जैसे ड्राइमिस होता है, कीट बक्सी पादप होता है, उसके अंदर भी इस प्रकार से संयुक्त लघु बीजाणु होते हैं। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा भी एक क्या है? कीट बक्सी पादप है। इसके अलावा एलोडिया जो है इसके अंदर, तो देखिए ये ऐसे पादप है जिनके अंदर लघु बीजाणु संयुक्त होते हैं, अलग अलग नहीं होते, संयुक्त होते हैं। अब अगली कुछ बात ये है कि जो कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिसमें सभी परागकण मिलकर, कुछ पौधों में सभी परागकण मिलकर क्या बना लेते हैं? पराग पिंड बना लेते हैं। ठीक है, पोलिनियम बना लेते हैं। तो आप रिमाइंड कीजिए, मैंने आपको बताया था पोलिनियम के बारे में, एस्क्लीपीएडेसी कुल के अंदर, इसी तरह ऑर्किडेसी कुल के अंदर इस प्रकार से पोलिनियम या पराग पिंड बनते हैं, जिसे हम ट्रांसलेटर एपरेटस कहते हैं, जिसमें तीन भाग होते हैं ना। मैंने आपको बताया भी था कि एक कार्पस कुलम होता है और एक उसके उसको जोड़ने वाला क्या होता है, धागे नुमा संरचना या धागे सदृश्य संरचना इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो धागे नुमा संरचना क्या है? रेटिनाकुला है। और इसके बाद आता है जो मुख्य भाग पोलिनियम, जहां पर माइक्रोस्पोर रहते हैं वो वाला, और तीनों मिलकर ट्रांसलेटर एपरेटस बनाते हैं। तो ये ट्रांसलेटर एपरेटस कहाँ पाया जाता है? जैसे एस्क्लीपीडेसी में, ऑर्किडेसी में, तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा क्या है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होता है आर्क, तो आंख में इस प्रकार की कंडीशन होती है। इसी तरह से ऑर्किड जो है, ऑर्किडेसी कुल का पादप है, एस्क्लीपीडेसी का क्या है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो यहां पर इन दोनों पादपों में क्या पाए जाते हैं? पराग पिंड पाए जाते हैं, यानी पराग कण सारे मिलकर के इस तरह से क्या बनाएंगे? पराग पिंड बनाएंगे। तो यहां पर ये पराग पिंड के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु होते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर पॉलीस्पोरी पाई जाती है। पॉलीस्पोरी का मतलब होता है बहुबीजाणुकता। क्या होती है? बहुबीजाणुकता, पॉलीस्पोरी। पॉली माने होता है बहु, स्पोरी स्पोर यानी बीजाणु, तो बहुबीजाणुकता भी पाई जाती है। बहुबीजाणुकता का मतलब यही है कि बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो देखिए किन में बनते हैं? कसकुटा में बनते हैं। कसकुटा रेफ्लेंस या रेफ्लेक्सा इसको हम कह सकते हैं, ये होती है अमरबेल। अमरबेल में इस तरह से बहुत सारे क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। इसी तरह से हाइफिनी एक ऐसा पादप है, हाइफिनी, हाइफिनी में भी इसी तरह से बहुत सारे लघु बीजाणु बन जाते हैं, यानी पॉलीस्पोरिक अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। तो ऐसे पादप हैं ये जिनमें चार से अधिक पराग कण होते हैं, पराग चतुष्क में। नॉर्मली क्या होते हैं? यूजुअल करैक्टर क्या है इसका? जैसे चार होते हैं। ठीक है, वो या तो इस फोरम में हो सकते हैं, या इस फोरम में हो सकते हैं, या फिर इस फोरम में हो सकते हैं। ठीक है, या फिर टी सेप्ड हो सकते हैं, या फिर इस प्रकार से उल्टा टी भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन इससे इतर यहाँ पर तो क्या है, सब चारचारी हैं, लेकिन जब पोलिस पोरी अवस्था आएगी तो फिर जैसे कशकुटा रेफरेंस है तो उसमें चार से ज्यादा ही लघु बीजाणु होते हैं। इस प्रकार की बहु बीजाणुता कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कशकुटा रेफरेंस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ ऐसे पादप हैं जहां पर पराग कणों की जीवन क्षमता, जैसे कुछ अनाज जैसे पादप है ना, जैसे चावल होता है, ओराइजा स्टाइबा होता है, चावल ओराइजा स्टाइबा, ठीक है। इसी तरह से गेहूं होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ये दोनों अनाज कुल के पादप हैं और इनके अंदर जीवन क्षमता कैसी होती है, पराग कणों की बहुत कम होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनमें पराग कण जीवन क्षमता जल्दी खो देते हैं। यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, 30 मिनट तक जीवन क्षमता रहती है पराग कणों की, अनाज वाले पादप में। लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर लंबी जीवन क्षमता भी होती है। तो लंबी जीवन क्षमता कितनी हो सकती है, लंबी जीवन क्षमता हो सकती है महीनों की हो सकती है, यानी कई महीनों की हो सकती है। जैसे रोजेसी कुल के पादप हैं, जैसे गुलाब होता है ना, रोजेसी कुल का ही है गुलाब। इसी तरह से सोलेनेसी कुल है, सोलेनेसी कुल में जैसे सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनम ट्यूब्रोसम है, ये सारे जो हैं। और इसके अलावा जो तीसरा जो आता है वो है लेग्यूमिनोसी भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेग्यूमिनोसी में जैसे पाइसम स्टाइबम है, इसके अलावा पाइसम स्टाइबम के अलावा जैसे लेग्यूमिनोसी के और भी पादप हैं, केशिया फिस्टुला है, केशिया रेबिका है, केशिया निलोटिका है, ये सारे किस में आते हैं, लेग्यूमिनोसी में आते हैं। क्योंकि लेग्यूमिनोसी में तीन उपकुल होते हैं, मिमोसाइडी, सिसलपिनोइडी और पैपिलियोनेसी। तो पैपिलियोनेसी में पाइसम स्टाइबम आता है, सिसलपिनोइडी में केशिया और केशिया मिमोसाइडी। तो इस तरह से हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गई बात इनकी जीवन क्षमता की। अब जीवन क्षमता निर्भर किस पर करती है, तो पराग कणों की जीवन क्षमता विद्यमान तापमान और व आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो पराग कणों की जीवन क्षमता किस पर निर्भर हो गई, आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी पर, और इसके अलावा जो तापमान टेम्परेचर उनको उपलब्ध है उन पर इनकी जीवन क्षमता निर्भर करती है। बहुत से ऐसे भी जातियां हैं जिनके पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित भी रखा जाता है और इनका फिर बाद में प्रयोग किया जाता है फसल प्रजनन में, ठीक है। फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, तो पराग खपत इसको हम कहते हैं, फूड सप्लीमेंट। पराग खपत में क्या होता है कि जैसे खिलाड़ी है, धावक अश्व होते हैं, जो दौड़ने वाले घोड़े हैं, तो उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसी तरह से अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है, मीराबिलस का होता है, ठीक है। मीराबिलस में सबसे बड़ा पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा किस में होता है, सबसे छोटा होता है मायोसिस्टिस में, ठीक है, सबसे छोटा होता है मायोसिस्टिस में, मायोसोटिस इसको कहते हैं, मायोसिस्टिस भी बोल देते हैं। तो इसमें होता है स्मॉलेस्ट। और लॉन्गेस्ट सबसे लंबा किस में होता है, देखिए लंबा और लार्जेस्ट दोनों में अंतर है, लार्जेस्ट तो सबसे बड़ा हो गया ना, और लॉन्गेस्ट हो गया सबसे लंबा, तो ये पाया जाता है जोस्टेरा में। जोस्टेरा जो है इसके अंदर पाया जाता है, जोस्टेरा क्या है, समुद्री घास, इसको हम कहते हैं समुद्री घास होती है ये, ठीक है। तो सी वीड्स है ये, तो इनके अंदर देखिए फिलीफोरम पॉलन ग्रेन होते हैं, कौन से पॉलन ग्रेन होते हैं, फिलीफोरम पॉलन ग्रेन होते हैं। फिलीफोरम का क्या मतलब है, तंतु स्वरूप होते हैं, यानी कि लंबे लंबे इस तरह से पराग कण पाए जाते हैं। और इन पराग कणों में इनके जो फीते हैं, फीते सदृश इनकी होती है, और इनके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और है कि इनमें एक्जाइन नहीं होती है, ठीक है, एक्जाइन इनके अंदर नहीं पाई जाती है। जो पराग कण के बाहर जो उसकी एंटाइन और एक्जाइन मिलकर के भित्ति बनाती है ना पराग कण की, वो एक्जाइन यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं,
पराकण की संरचना देखेंगे हम, और उससे पहले स्फुटन के बारे में पढ़ लेते हैं। पराग कोश का स्फुटन कैसे होता है, ठीक है? पराग कोश का स्फुटन यानी परागकण तो बन चुके हैं लेकिन परागकण बाहर भी तो निकलने चाहिए पॉलिनेशन के लिए, तो वो क्या होगा देखते हैं। स्फुटन के समय क्या होगा, तो देखिए हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाए थे, आपको याद होगा कि चार हमने बीजाणु धानियाँ इस प्रकार से बनाई थी, ठीक है? तो ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं स्टोमियम, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमियम। ये स्टोमियम है, इसके अंदर की ओर ये वाला जो भाग है ये एंडोस्थीशियम है, बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, और फिर इसके अंदर मिडिल लेयर होती है ये वाली, और फिर होती है टैपेटम कोशिकाएं, और फिर होते हैं ये वाले पराग चतुष्क। क्लियर? तो अब चारों ही बीजाणु धानियों से पराग कण बाहर निकलेंगे तो किस प्रकार से होता है देखो। तो स्फुटन के समय मिडिल लेयर और टैपेटम कोशिकाएं हासित हो जाती हैं, यानी कि ये मिडिल लेयर और टैपेटम कोशिकाएं हासित होने की वजह से यहाँ पर एक गैप सा बन जाएगा। इस गैप की वजह से एंडोथीशियम द्वारा भी जल का ह्रास होता है, ये जो एंडोथीशियम है इसके द्वारा भी जल की कमी प्रदर्शित की जाती है, और इस प्रकार से जब इन दोनों तीनों कोशिकाओं के स्तर में जल की कमी हो जाती है तो इन जल की कमी से फिर क्या होता है कि आंतरिक कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, यानी कि ये वाली जो कोशिकाएं यहाँ वाली जो आंतरिक उत्तक कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और दोनों ही परागपुटों के बीच का पट नष्ट हो जाता है, यानी कि इन कोशिकाओं पर दबाव पड़ेगा तो यहाँ से ये पट क्या है, रिलीज हो जाएगा, इन दोनों के बीच का ये पट विभाजित हो जाएगा और इस गैप का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा कि जल की कमी से एंडोथीशियम की बाहरी पतली भित्ति और भीतर की ओर सिकुड़ जाती है, ये वाली जो भित्ति है ये अंदर की ओर सिकुड़ जाएगी एंडोथीशियम की, जैसे ये एंडोथीशियम है, बड़े रूप में समझें इसको, ये एंडोथीशियम है तो ये इसकी बाहरी भित्ति है तो ये अंदर की ओर सिकुड़ेगी इस तरह से, तो यहाँ पर गैप का निर्माण होगा और गैप का निर्माण होने से इन कोशिकाओं पर भी दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने की वजह से स्टोमियम, स्टोमियम का मतलब यही है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जब ये अलग हो जाते हैं तो फिर वायु अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद फिर दबाव के साथ बाहर भी निकलती है, और जब बाहर निकलती है तो अपने साथ पराग कणों को भी लेकर के आ जाती है, तो इस प्रकार से इस पराग कोश का क्या होता है, स्फुटन होता है, ठीक है? आगे चलते हैं, स्फुटन के बाद पराग कण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, किस प्रकार का होता है पॉलन ग्रेन। तो देखिए मेल गैमेटोफाइट इसको हम कहेंगे, पहली बात तो ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है? क्योंकि इसमें आगे क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, युग्मक बनेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में हम देखते हैं मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही है, इस प्रकार से एक गोलाकार संरचना होती है पराग कण की, ठीक है? पहली बात तो ये, और इस गोलाकार संरचना में एक उभार सा नजर आएगा आपको, ये उभार क्या है, ये जर्म पोर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर है ये, ठीक है? जनन छिद्र हिंदी में कहेंगे, जनन छिद्र कहेंगे। इसके बाद देखिए इस भित्ति के बाहर यहाँ पर ये पॉलन किट होती हैं, इस प्रकार से ये क्या पाई जाती हैं, पॉलन किट होती हैं, चारों तरफ घूम जाती हैं ये इस पराग कण के पॉलन किट इस प्रकार से, तो ये पॉलन किट हैं। पॉलन किट के साथ साथ अब दो भित्तियाँ हैं इसके अंदर, तो पहली भित्ति जो आपको यहाँ पर ये वाली जो दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं एक्सो एग्जाइम, क्या कहेंगे इसको हम, या एक्टो एग्जाइम कहते हैं, ये है एक्टो एग्जाइम। एग्जाइम के दो रूप होते हैं, एक बाहर की ओर एक्टो एग्जाइम और एक अंदर की ओर होती है एंडो एग्जाइम। तो अंदर वाली किस प्रकार की है, ये है अंदर वाली, ठीक है? ये अंदर की भित्ति है जो इस तरह से होती है, ये बना दी हमने इसमें एक्टो
एग्जाम, ठीक है, नहीं एंडो एग्जाम, सॉरी, ये है एंडो एग्जाम, ठीक है, हो गई दोनों। इसके बाद देखिए अगला जो भाग आता है, यानी इसकी अंदर वाली जो भित्ति है वो कौन सी है, तो वो कहलाती है एंटाइम। इसके अंदर एक और परत होती है इस तरह से, ये कहलाती है एंटाइम, ठीक है, ये वाली जो भित्ति है वो है एंटाइम, क्लियर। तो भित्ति तो इस तरह से होएगी बाहर की, और ये वाले क्या हैं, ये है पॉलन किट, इसको हम कहते हैं पॉलन किट, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे इसमें देखिए दो केंद्रक होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। तो वेजिटेटिव तो यहां होता है और जनरेटिव यहां होता है, ठीक है, ये है जनरेटिव न्यूक्लियस और ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्लियर। अब इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, इसके अंदर देखिए डिक्टियोसोम होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और वैक्यूल्स होती हैं। तो ये तो रही वैक्यूल्स, इस प्रकार से इनके अंदर रिक्तिकाएं हैं, ये है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर, ये इसका साइटोप्लाज्म है, क्लियर। और इसके अलावा और क्या क्या है, ये इसके डिक्टियोसोम है, ठीक है, ये डिक्टियोसोम है। तो अब इनको नामांकित कर देते हैं, ये तो है डिक्टियोसोम, ये है ईआर, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और बचा क्या, ये बच गए वॉक्यूल, ये है वॉक्यूल, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने जो संरचना है वो है एक पॉलन ग्रेन की। तो देखिए इसके अंदर देखिए पराकण जो है वो बाहर की ओर इनकी एक क्या होती है, भित्ति होती है, और भित्ति के जो स्तर हैं, एक्टो एग्जाइन की बात की जाए तो एक्टो एग्जाइन इस प्रकार से भित्ति होती है इसकी, आप देख लीजिए इसमें तीन भाग होते हैं, इसकी भित्ति में ये वाले तीन भाग हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, एक तो ये है, क्लियर, जो सबसे ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको टैक्टम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टैक्टम कहते हैं, क्लियर, ये तो हो गया टैक्टम। इसके अलावा अगला जो भाग आता है वो है फुट लेयर, ये सबसे नीचे वाला भाग क्या है, इसका फुट लेयर है, और ये बीच वाला जो है इसको हम कहते हैं बैकुलम, और ये तीनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, एक्टो एग्जाइन बनाते हैं, इसको हम एक्टो एग्जाइन कहते हैं, ये एक्टो एग्जाइन है। तो पराकण के बाहर भित्ति होती है पहली बात तो ये, और पराकण के केंद्रक और कोशिका द्रव्य इन दोनों भित्तियों से घिरे हुए रहते हैं, आपके सामने हैं। बाहरी भित्ति को एग्जाइन कहते हैं, जिसके दो भाग हैं एक्टो एग्जाइन और एंडो एग्जाइन, और अंदर वाली भित्ति क्या कहलाती है, इंटाइन कहलाती है। बाहरी भित्ति जो है, ये वाली जो भित्ति है जिसको हम एक्टो एग्जाइन कह रहे हैं, इस भित्ति में प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, यानी प्रतिरोधी होती है बाहरी भित्ति, और स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और इसी कारण से पराकण फोसिल रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। देखिए स्पोरोपोलेनिन अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, यहाँ पर इस पोलन किट में भी होता है ये, और इसकी भित्ति में भी होता है। तो स्पोरोपोलेनिन अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और इसका जैविक अपघटन नहीं होता, जैविक अपघटन नहीं होने की वजह से यह उच्च ताप और स्ट्रॉन्ग अम्लों और क्षारों के सामने टिका रहता है, ठीक है, प्रतिरोधी होता है उनके प्रति। तो अभी तक ऐसे एंजाइम का पता भी नहीं लगा है जिससे कि इसका अपघटन हो सके। तो स्पोरोपोलेनिन के कारण ही पराकणों के जीवाश्म लंबे समय तक या सबसे अच्छी हालत में मिल जाते हैं। तो इनसे और क्या इसके यूजफुल हैं, इस ये यूजेस हैं, देखिए पराकणों की इस प्रकार की क्षमता फोसिल के रूप में मिलने की पेट्रोलियम, कोयले या फिर जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका पता लगाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब आंतरिक भित्ति की बात कर लेते हैं, ये है इसकी आंतरिक भित्ति जिसको हम एंटाइन कहते हैं। अब एंटाइन किसकी बनी होती है, आंतरिक भित्ति पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की।
इसके अलावा परागकण में जहां पर ये जनन छिद्र होता है, यानी कि ये वाला जो छिद्र है जनन छिद्र, वहां पर कुछ प्रोटीन एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो भित्ति की बात हो गई, अब बात करते हैं पोलन किट की। पोलन किट बाहर की ओर होता है भित्ति के। तो परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं, और यह पोलन किट किसकी द्वारा बनाई जाती है? टैपेटम कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है। ये चिपचिपे होते हैं, ये वाले जो पोलन किट है ये चिपचिपे भी होते हैं और विशेष गंध वाले होते हैं। तो कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं पोलन किट, ठीक है, क्योंकि ये विशेष गंध वाले भी होते हैं और साथ ही चिपचिपे भी होते हैं। तो ये क्या है, कीटों को आकर्षित करते हैं और इनसे चिपक जाते हैं। साथ ही साथ पोलन किट पराबैंगनी किरणों से परागकणों की सुरक्षा करने का काम भी करती है। इसके अलावा परागकण में और क्या है? इसके अलावा परागकण में दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक कायिक केंद्रक होता है, एक जनन केंद्रक होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे होते हैं। और जब परागकण चतुष्क से अलग होता है तब इसका विस्तार होता है, यानी कि ये एक सिंगल परागकण है तो ये अलग हुआ है चतुष्क से, तब इसका एक्सटेंशन होता है यानी विस्तार होता है, और विस्तार के दौरान इसके अंदर बहुत सारी रस धानियां बन जाती हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा परागकण मैं आपको बता चुका हूँ, जो मिराबिलिस जलापा है उसके अंदर 200 म्यू माइक्रोन का होता है परागकण, और जो मायोसिटिस है एल्पेस्टिसिस उसके अंदर 10 म्यू माइक्रोन का होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें परागकण से रिलेटेड हैं। परागकण की संरचना हमने देख ली है और कल हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।